नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कोई भी मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण दर्ज नहीं की गई। कांग्रेस सांसद के जवाब में स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने लिखित जवाब में बताया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को मामलों और मौतों की रिपोर्ट करते हैं, और दूसरी लहर के दौरान राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा विशेष रूप से ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मौत नहीं हुई। ये जवाब कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल के सवाल के जवाब में दिया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राज्यसभा में चर्चा के दौरान कहा कि केंद्र ने कभी किसी राज्य से ये नहीं कहा कि आप कम मौतें या मामले दर्ज करें। उन्होंने कहा कि केंद्र केवल राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए डेटा को ही संकलित और प्रकाशित करता है। हमारा काम उस डेटा को प्रकाशित करना है और कुछ नहीं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नोटबंदी की तरह ही कोरोना लॉकडाउन की तैयारी नहीं की और इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। खड़गे ने यह भी कहा कि राज्य के चुनाव के दौरान ये केंद्र सरकार ही थी जो खुद के बनाए गए कोरोना नियमों का उल्लंघन कर रही थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इतने बड़े देश में कोरोना से कितने लोग मरे, क्या ये रहस्य ही बनकर रह जाएगा। सरकार देश में कोरोना से 4 लाख से अधिक मौतों की बात बताती है। जो झूठे आंकड़े सरकार जारी कर रही है वो सत्य से दूर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि चौथे सीरो सर्वे में पाया गया है कि बच्चों सहित 2/3 भारतीय आबादी में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हो चुके हैं। हालांकि अभी भी लगभग 40 करोड़ लोगों पर खतरा बना हुआ है। ICMR द्वारा कराए गए सीरो सर्वे में पाया गया कि देश में 67.6% लोगों को कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। इस सर्वे में पाया गया कि 50% से अधिक वो बच्चे हैं जो 16 से 17 साल के हैं, उनमें एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। इसके अलावा सबसे अधिक एंटीबॉडीज 45 से 60 साल के लोगों में पाई गई। इस उम्र के लोगों में 77.6% लोगों में एंटीबॉडीज पाई गई। आज भी संसद में पेगासस जासूसी मामले में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही को कई बार स्थगित करना पड़ा। इस दौरान कांग्रेस ने इस जासूसी मामले की जाँच संयुक्त संसदीय समिति से कराने की मांग की। कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि सरकार को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि उसने पेगासस स्पाइवेयर खरीदा या नहीं, और इस मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से करवाई जाए। गोहिल ने संवाददाताओं से कहा कि हमने फोन टैपिंग के मुद्दे पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन और संविधान के तहत मौलिक अधिकारों पर चर्चा करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में स्थगन नोटिस दिया था। कर्नाटक की कांग्रेस JDS सरकार भी पेगासस सॉफ्टवेयर जासूसी के निशाने पर थी। लीक हुए डेटाबेस में सरकार के लोगों के फोन नंबर भी पाए गए हैं। ये साल 2019 में उस समय की बात है जब वह सरकार खतरे में थी और अंत में गिर गई, जिसके बाद BJP की सरकार बनी और BS येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने। द वायर ने एक रिपोर्ट में कहा कि सरकार के गिरने और उसके लोगों की कथित तौर पर जासूसी होने के बीच निश्चित तौर पर संबंध है। हालांकि ये साबित नहीं हो पाया है कि कर्नाटक सरकार के लोगों की जासूसी पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए की गई थी, पर उनके नाम उस सूची में थे जिनकी जासूसी की जानी। तत्कालीन मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी के अलावा तत्कालीन उप मुख्यमंत्री G परमेश्वर, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके निजी सचिवों के फोन निशाने पर थे। पत्रकारों नेताओं की फोन टैपिंग के मामले में युवा कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास BV के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथ में पोस्टर लिए हुए थे जिनमें लिखा था, चौकीदार ही जासूस है। श्रीनिवास BV ने ट्वीट कर कहा है कि ना तो ये युवा खामोश बैठेंगे और ना ही ये देश कभी प्रधानमंत्री को माफ करेगा, और ये जासूसी कांड सरकार के कफन में आखिरी कील साबित होगा। श्रीनिवास BV के नेतृत्व में उतरे कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि इस मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाई जानी चाहिए। प्रदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ता जुटे थे। पेगासस मामले में कांग्रेस 21 जुलाई को देश के सभी राज्यों में इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जबकि 22 जुलाई को उसकी राज्य इकाइयां राजभवन के आगे धरना देंगी। वहीं दूसरी ओर पेगासस मामले पर जवाब देने के लिए BJP भी नेताओं को मैदान में उतारेगी। पेगासस जासूसी मामले को लेकर विपक्षी दल सड़क पर और संसद में दोनों जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। TMC ने इस मुद्दे पर संसद के बाहर गांधी प्रतिमा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। महुआ मोइत्रा सहित कई सांसद इस मुद्दे पर हाथ में प्लेकार्ड लेकर आए।
इनमें लिखा था कि लोगों की निगरानी करने के काम को बंद किया जाए और जासूसी का गुजरात मॉडल अब राष्ट्रीय स्तर पर आ चुका है। टीएमसी के नेताओं ने न्यूज एजेंसी एएनआई के साथ बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री को संसद में आकर कहना चाहिए कि पेगासस के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं बोला है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने पेगासस स्पाइवेयर मामले को लेकर सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि पेगासस स्पाइवेयर एक कॉमर्शियल कंपनी है जो पेड कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करती है, तो सवाल उठता है कि कंपनी को भारत में ये ऑपरेशन करने के लिए किसने पैसे दिए थे? अगर ये भारत सरकार ने नहीं दिए तो वो कौन है? उन्होंने कहा ये मोदी सरकार का कर्तव्य है कि वो लोगों को इस बारे में बताए। पेगासस स्पाइवेयर के जरिए जासूसी के मामले में फ्रांस ने जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेगासस स्पाइवेयर के द्वारा फ्रांस के करीब 1000 लोगों को निशाना बनाया गया है और उनकी भी फोन टैपिंग की गई है। इनमें 30 पत्रकार भी शामिल हैं। हालांकि भारत में इसको विदेशी साजिश से लेकर ना जाने क्या क्या बताया जा रहा है, जांच करने की बात तो दूर है। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को अश्लील वीडियो बनाने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। मुंबई पुलिस ने कुंद्रा को मुंबई की किला कोर्ट अदालत में पेश किया था, जहां से उन्हें शुक्रवार तक की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बकरीद के लिए कोरोना प्रतिबंधों में 3 दिन की छूट की अनुमति देने के लिए केरल सरकार की जबरदस्त खिंचाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह चौंकाने वाली स्थिति है कि केरल सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में ढील देने की व्यापारियों की मांग को मान लिया है। अदालत ने साथ ही उसे चेतावनी दी कि अगर इन रियायतों की वजह से कोरोना के मामले बढ़े तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लॉकडाउन में छूट देने के लिए केरल सरकार ने जो अधिसूचना जारी की थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द तो नहीं किया, लेकिन अदालत ने साफ तौर पर कहा कि यह कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करे। कुछ दिन पहले ही कोर्ट ने कांवड़ यात्रा को रद्द तो नहीं किया था, बल्कि उसने उत्तर प्रदेश सरकार को खुद से कांवड़ यात्रा को रद्द करने को कहा था। अफगानिस्तान में अफगान सेना और तालिबान के कट्टरपंथियों के बीच चल रहे संघर्ष में राष्ट्रपति अशरफ गनी के काबुल स्थित आवास के पास मंगलवार को रॉकेट गिरने की खबर है। इसे हमला माना जा रहा है और यह बकरीद की नमाज के दौरान हुआ है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने टीवी खबरों के हवाले से कहा है कि इस इलाके में हुए कई जोरदार धमाकों के बाद सभी को नमाज रोकनी पड़ी। इस हमले में कितने लोग घायल हुए हैं अभी इसका पता नहीं चल सका है। खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति आवास के नजदीक 3 रॉकेटों से हमला किया गया। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।